पिछले करीब 8 महीने से प्रवर्तन निदेशालय झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार रेड और छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई चल रही है, एक के बाद एक नेक्सस का पता चल रहा है। अभी कल ही जिस तरह से जो डीएसपी हैं राजेंद्र दुबे, उनसे पूरे दिन ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई और जो पूछताछ के बाद जो सामने आई है उससे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल राजेंद्र दुबे ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने ड्यूटी आवर में, यानी कि अपने डीएसपी के तैनाती के दौरान, कामकाज के दौरान, उन्होंने अनधिकृत तौर पर, यानी गैर कानूनी तौर पर रिम्स में जाकर के पंकज मिश्रा से मुलाकात की है, उनसे फोन पर बातचीत की है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बात की स्वीकारोक्ति करना उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, जो कई ऐसे प्रावधान हैं जो ये कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले दिनों में परेशानी बनने वाली है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर राजेंद्र दुबे को ऐसी क्या बात लगी कि उन्होंने पंकज मिश्रा से जाकर के रिम्स में मुलाकात की। वो अधिकारी हैं, वो सेवा में हैं, उनको पता है कि अगर पंकज मिश्रा से उनकी मुलाकात होती है, फ़ोन पर बातचीत होती है, तो जाहिर सी बात है अगर ये बात केंद्रीय जाँच एजेंसियों तक पहुँचती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत बन सकती है। इतने बड़ा रिस्क लेने की उनकी आखिर क्या ज़रूरत पेश आई, आखिर वो जानते थे या अनजाने में ऐसी गलती की है, जो भी हो लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कानून का वायलेशन किया है। और इन तमाम फुटेज को ईडी ने उनके सामने रखा तो कहीं ना कहीं राजेंद्र दुबे के भी होश फाख्ता हो गए और ये उस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए कि उन्होंने रिम्स में जाकर पंकज मिश्रा से मुलाकात की है। दरअसल ईडी को कहीं ना कहीं इस बात की सूचना थी, उनके पास कहीं ना कहीं इनपुट था कि पंकज मिश्रा से कई लोग मिल रहे हैं, लिहाजा इस बात के लिए उन्होंने अपने लोगों की तैनाती भी की थी और खास करके टीवी पर लगातार नजर बनाए रख रहा था, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें सामने आई और ये पता चला कि राजेंद्र दुबे ने पंकज मिश्रा से मुलाकात की है। और बड़ा और अहम सवाल ये है कि अगर राजेंद्र दुबे पंकज मिश्रा से मिलते हैं तो क्या बातें हुई हैं, किन बातों को लेकर इतने लंबे समय तक उनकी मुलाकात होती रही है। जाहिर सी बात है, इन तमाम सवालों का जवाब कहीं ना कहीं राजेंद्र दुबे को देना पड़ा है और आने वाले दिनों में और भी देना पड़ेगा। अब इस बात आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या जो 1000 करोड़ का साहिबगंज में जो खनन घोटाला सामने आया है, उसके क्या उसमें क्या शामिल जो संलिप्तता है वो राजेंद्र दुबे की है या नहीं है। यही वजह है कि ईडी ने उन तमाम चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा राजेंद्र दुबे से मांगा है, ताकि इस बात का पता लगाया जाए क्या उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, क्या इस घोटाले का जो पैसा है उन तक पहुंचा है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आने वाले दिनों में परत दर परत खुलने वाली है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईडी की लगातार जिस तरह से दबिश डाली जा रही है, उसके बाद जो इस तरह से परत खुल रहे हैं, उससे ना सिर्फ इस घोटाले के जो राज हैं वो फाश हो रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में पंकज मिश्रा समेत अन्य जो इसमें आरोपी हैं, जो अभी फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है, उसके रडार में है, उनके लिए आने वाले दिन और भी मुसीबत भरे हो सकते हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि पंकज मिश्रा को नशा मुक्ति केंद्र सीआईपी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक रांची कांके में हॉस्पिटलाइज किया गया है। वहां से यह खबर है कि पंकज मिश्रा का दिन जो गुजारना या रात गुजारना बेहद मुश्किल हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि वो लंबे समय तक रिम्स में हॉस्पिटलाइज थे। रिम्स में जो सेवाएं थी, जाहिर सी बात है उससे अलग सेवाएं सीआईपी में होंगी, जाहिर सी बात है उनको एडजस्ट करने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में उनको भेजना बेहद जरूरी था क्योंकि उनको एडिक्शन है इन तमाम चीजों की। यही वजह से है उनको नशा मुक्ति केंद्र भेज करके उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है, क्या पंकज मिश्रा से जो लोग मिलते रहे हैं उसमें राजेंद्र दुबे का नाम आया है, कई और लोग हैं जो इस रडार में हैं, अगर वो भी लोग आते हैं और इस तरह के स्वीकारोक्ति देते हैं कि वो उन लोगों ने पंकज मिश्रा से मुलाकात की है, बातें की है, फोन पर बातचीत हुई है, तो यकीन जानिए कि ये जो घोटाला है और बड़ा होने वाला है और इसके दायरे में और जो लोग हैं वो शामिल होते जाएंगे। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागठबंधन सरकार की से झारखंड खतियारी जोहार यात्रा पर निकले हुए हैं और अपने हर यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्षी दल है वो किस तरह से ईडी सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के बहाने उनको डराने की कोशिश कर रहा है, सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हर दिन के अखबार को आप उठाकर देखिए, हर दिन का मीडिया चैनल के न्यूज को आप देखिए, तमाम दिन आप इस बात को देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने अमुक स्थान पर इन बातों को लेकर के कई जांच एजेंसियों पर टारगेट किया है, निशाने पर साधा है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री तक इन तमाम चीज़ें पहुंच रही होंगी कि किस तरह पंकज मिश्रा से लोग मिले हैं, किस तरह से ये घोटाला बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है उन तक ये इनपुट है,
तो वो भी अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि लेकिन वो राजनीति के क्षेत्र में है, राजनीति अपने तरीके से काम करती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है 2 सालों के बाद, इन तमाम चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहता है, इस घोटाले का क्या असर रहता है, ईडी की कार्रवाई का क्या कुछ असर रहता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जिस तरह से डीएसपी राजेंद्र दुबे ने ईडी के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने पंकज मिश्रा से रिम्स से मुलाकात की है, जो बातें हुई है उन्होंने तमाम बातों को बताया है, और अब कहीं ना कहीं वो जो है डीएसपी साहब जो है वो ईडी के रडार पर आ गए हैं, उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। अगर ये आज से ज्यादा संपत्ति का मामला बनता है तो यकीन जानिए उनके लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे होंगे। फिलहाल तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।